क्या हुआ, कुछ भूल गई क्या? कौन क्या भूल गया पुत्र, अरे लेटा लेटा रे। नहीं बीजी, वो प्रीतो कह रही थी, नहीं एक्चुअली मैं प्रीतो से पूछ रहा था कहीं कुछ सामान तो घर नहीं भूले। प्रीतो तुम कह रही थी ना कुछ रह गया है। मैम मीता जी बैटरी भूल गई थी घर, वो बता रही थी बीजी। हाँ वो तो रास्ते से ले ली ना। पुत्र मैंने तेरे ना ये नींबू की चाय बनाई है, पी ले तुझे आराम मिलेगा। नहीं बीजी, चाय में नींबू, नो वेस्ट। अरे ऐसे कैसे बीजी, दे पीना पड़ेगा इसको। नहीं नहीं प्रीतो प्लीज, मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, प्लीज प्लीज। ठीक हो ना? नहीं बीजी, ये ऐसे बिल्कुल नहीं पिएगा। अब ये क्यों आ गई? नाक बंद करो और फिर ये पिएगा। अरे नहीं सिमी, मुझे नहीं तुम्हें दवाई तो पीनी पड़ेगी। बीजी मेरे को दीजिए दवाई। नहीं सिमी, नहीं सिमी, नहीं तक गिनने में 1 2 3 4 5। क्या सिमी कितनी कड़वी है, आईपॉड पे भी गिर गई। बीजी देखा ना सिमी की हरकत, अगर आप मेरी माँ हो ना तो ये मेरी दादी माँ है। बीजी अगर ये ऐसी बच्चा बना रहेगा तो मेरे को ऐसी दादी माँ बनना पड़ेगा ना। और हाँ खिचड़ी यहाँ पे रखिए, टाइम से खा लेना जी। दादी माँ बनने पे मजबूर मत करना। खिचड़ी तो मुझे पसंद है ना, लेकिन ये चाहे तो प्लीज। तूने बनाई है? जी बीजी मैंने बनाई है, और आज रात को मैं बाबी क्यों कर रही हूँ। राजवीर की तबीयत खराब है ना, हल्का खाना देना पड़ेगा, हमारा भी टेस्ट चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। और हाँ खूब सारी मस्ती करने वाले हैं, धमाल करने वाले, इसलिए प्लीज 1-2 घंटा बचा है, प्लीज आप लोग जाके आराम कर लीजिए। और हाँ गर्म कपड़े पहनना बिल्कुल मत भूलना। हाँ पुत्र, पत्नी से देख के मुझे अपनी बेबे याद आ रही, बिल्कुल इसकी तरह थी, सबका ख्याल रखना, ऐसी चीजें प्लान करना, बहुत प्यारी है तू। रब करे तुझे भी तेरा ख्याल रखने वाला जल्दी मिल जाए। बीजी आपने बोला ना तो जरूर मिल जाएगा। और वैसे भी मेरे जैसी नखरे करने वाले के लिए भगवान ने पता नहीं कोई बनाया भी है कि नहीं। वैसे एक बात बोलूं सिमरन जी, ये जो हमारी बीजी है ना, इनका डायरेक्ट कनेक्शन है बाबा जी के साथ। जिसकी भी अप्रोच लगाती है ना उसका काम बन जाता है। अच्छा ऐसा है ना, तो मुझे जरूर मिलेगा। और अगर ऐसा हुआ तो बीजी सबसे पहले आके ना, आई स्वेयर आपको मिठाइयाँ खिलाऊंगी, जैसे आगरा का पेठा, मथुरा के पेड़े, और वो कैलकटा का रसगुल्ला। ओए होए यार, तुम मेरे सामने खाने पीने की बात मत किया करो ना यार, पता है ना मैं कुछ नहीं खा सकता। ये खिचड़ी खा, हम लोग आते हैं, राम करा। सॉरी मैं तो भूल ही गई थी कि बीमार के आगे दवाइयों की बातें करनी चाहिए, जैसे कड़वी दवाइयाँ। अभी तुम आराम कर लो, रात को आती हो तुम्हें उठाने के लिए। और हाँ फिर मिलके सेलिब्रेशन। चलो पंच पड़े के खा लेना आराम। प्रीतो तुम कुछ भूल रही हो। मैं खिचड़ी खा लेना, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना, मैं बाहर ही हूं। काम पर फोन लगाया तो बार बार यही कहते रहे कि आप आए नहीं हो, घर मिला है तो घंटी बजती रही, घबरा गया था दिल मेरा। कमाल करते हो आप मास्टर जी, आप भी ना। ठीक है अच्छा एक बात बताओ, वो पैसे जमा कर दिए ना? हाँ जी बस यही सोच रही थी, चलो अब रखती हूँ, बच्चों ने प्रोग्राम बनाया कुछ बार बार क्यों करने का। ओ हाँ बार बार क्यों नहीं बीजी, बार भी क्यों। हाँ जो भी बार बे बार बार एक ही बात है। अच्छा मैं रखती हूँ, हाँ ख्याल रखना, वैसे कहने का तो कोई फायदा है नहीं। सत श्री अकाल। प्रीतो ले बंद कर ले पुत्र, आप बैठो। हाँ क्या बात है, क्या बात है सिमरन जी, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। एक बार इसे थोड़ा सा पकने दो, फिर देखना इसकी खुशबू से कैसे सारे के सारे खींचे चले आएंगे। हाँ मुझे तो इसकी खुशबू ने ना बांध ही लिया है। वैसे सिमरन तुमने इसमें मसाले कौन कौन से डाले हैं? नीता दी मसाले नहीं, मैंने इसके अंदर हर्ब्स डाले। वो हर्ब्स मतलब जड़ी बूटियाँ। एक मिनट तुम कहीं दवाइयाँ तो नहीं बना रही ना? अरे मीता जी हर्ब्स मतलब होता है ना धनिया पुदीना के पौधों को सुखा के पाउडर, वही होता है ना, वही होता होगा शायद। नहीं फिर तो हर्ब्स मतलब जब हम खुशबू वाले पौधों को सुखाते हैं ना और उसका जो मसाला बनता है उसे हर्ब्स कहते हैं, उसी की खुशबू है ये। सिर्फ खुशबू, और वो टेस्ट कहाँ से आएगा? मीता दी आप एक बार खा के तो देखिए, उंगलियाँ चाटती रह जाएंगी आप। मीता दी
आज हम इंडिया में रहकर अमेरिकन खाना खाएंगे, वो भी पंजाबी तड़के के साथ। नीता दी, मिर्च मसाले वाला नहीं, सिंपल खाना। ओहो, वो वाला तड़का नहीं, तड़का मतलब नाच गाने से, मिर्च मसाले से नहीं। अच्छा सिमरन, तुम्हें चाइनीज बनाना आता है ना? चाइनीज? उसे कॉन्टिनेंटल थाए और इटालियन भी बहुत अच्छा था। शी इज एन एक्सीलेंट कुक। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? हाँ, अभी बेटर फील है। चलो अच्छा है, अभी सिमरन के हाथ का खा लोगे ना तो और अच्छी हो जाएगी। अब सिमरन, मुझे ये जड़ी बूटी वाली रेसिपी जरूर सिखा देना, ठीक है? हाँ हाँ मीता दी, तू सब कुछ सीख ले सिमरन से बनाना, और फिर घर पे ना मुझे बना के। क्या हमेशा खाने की बात करती हूँ, कभी तो खाना बनाने की बात किया करो ना खाने। अच्छा देखो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं भी बता देती आपको। क्या बता दी? हाँ राजवीर, क्या यार, शाम होते होते तो युद्ध पर भी फुल स्टॉप लग जाता है, लेकिन तुम दोनों के झगड़े कभी खत्म नहीं होंगे। अरे आ जाओ यार, कुछ गाना बजाना करते, मस्ती मस्ती करते, आओ यार। हाँ आ रहे, कोई ना कोई हमेशा आ जाते तुम्हें बचाने के लिए। आ जाओ पंकज, आना मामा जी। चलो भाई आ गए ना सब लोग, तो चलो जी फिर गाना बजाना शुरू करते हैं। सिमी आना, मैं आती हूँ, पहले इसको फिनिश कर लूँ। ठीक है, चलो जी चल। तो सबसे पहले मैं एक गाना किसी को डेडिकेट करना चाहता हूँ। और ले, वो तो हमें पता ही, हमारी इशू दी है। करेक्ट, इशू ये सॉन्ग तुम्हारे लिए। मूड तो सेट करने थे। सिमरन, इतना कम मसाले और घी वाला खाना मैंने कभी नहीं खाया पहले, बड़ा स्वाद बनाती है तू। थैंक यू सो मच बीजी। नीता दी, क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं लगा आपको? नहीं नहीं सिमरन, बहुत अच्छा खाना बनाया है। ओहो, क्या है ना, हम जरा मसाले ज्यादा खाते हैं, इसलिए थोड़ा। ओ कोई नहीं मीता, अभी मैं तेरे तड़के का इंतजाम करता हूँ। सिमरन जी, आपके पास हरी मिर्च और पुदीना होगा ना? हाँ है, क्यों? वो क्या है ना कि मुझे हरी मिर्च और पुदीना को कूट कर उसमें नींबू निचोड़ कर चटनी बनानी है, पनीर का टिक्का ना उसमें डुबो के खाना, चटकारे लेगी तू। ठीक है बना ले। वो क्या है ना, अभी सीख रहा है, जब भी खाली होता है ना रसोई में आ जाता है, मिट्टा ये सिखा दे वो सिखा दे, एक नंबर का पागल ही। लेकिन एक बात बताऊ, इसे मेरी हर बात मालूम रहती है। इसकी बीवी खुश रहेगी, उसे बना बना के खिलाता रहेगा। वो तो है, पता है प्रीतु, तब तक ना मैं इसे और अच्छा खाना बनाना सिखा दूंगी। वो तो है मीता दी, बचपन की दोस्ती ऐसे ही होती है, बिना कहे सारी बातें समझ में आ जाती है, जैसे राजवीर मेरे दिल की सारी बातें समझ लेता है। बिल्कुल सिमी, और वैसे तुमने आज खाना बहुत ही अच्छा बनाया, एकदम लाइट है। थैंक यू। एक्चुअली ना वो रोज रोज हैवी पराठे खा के बहुत थक गया था,
पानी लेकर आती हूँ। हम क्या जबरदस्ती ठूसते हैं पराठे मुंह में? जब देखो पीछे ये परांठा खाना, ये खाना, वो खाना, मक्खन दे दो, ये दे दो, वो दे दो। राज हाथ छोड़ो, छोड़ो, गुस्सा हो। लेकिन अपने आप से इतने महीनों से आपको जो पराठे खिला रहे थे ना, मुझे नहीं पता था कि वो पराठे आपके पेट और दिल पे इतने बड़े बोझ हैं। ओ प्रीतो, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मैं तो बस इतना कहना चाहता था कि दैट फूड इज अ लिटिल डिफरेंट। मुझे पराठे पसंद है, लेकिन वैरायटी नाम की भी कोई चीज होती है ना। जैसे तुम्हारे मूड को ही देख लो, इट कीप्स चेंजिंग, राइट? वैसे टेस्ट भी तो चेंज होना चाहिए, कभी पराठे, कभी ग्रिल चिकन, कभी मिर्ची के पकौड़े। अच्छा एक काम करते हैं, जब हम वापस जाएंगे तो दिन रात अपने हाथों से पराठे और पकौड़े बनाकर मुझे खिलाती रहना, ठीक है? मुझे कोई पराठे वराठे नहीं खिलाने आपको। अच्छा कान पकड़ता हूँ, माफ कर दो ना प्लीज, मुझे कुछ सुनना भी नहीं है। अच्छा अगर ध्रुव की तरह गाओ तो मान जाओगे? ओ गाना, ठीक है गो। जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं। प्लीज अब आगे मत गाना, क्योंकि अगर अब आपने आगे गाया तो आस पास के जितने भी गाने सभी आके गाने। चल मेरी हंसी उड़ा कर ही सही, तुम हंसी तो सही। हाँ लेकिन मैं अब भी गुस्सा हूँ, और ये गुस्सा इतनी आसानी से नहीं जाने में। वो भी चला जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें कल सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा। 5 बजे? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है जिसे देखकर तुम्हारा सारा गुस्सा चला जाएगा। आपको लगता है कि मैं 5 बजे उठ के आपसे मिलने आऊंगी? लगता नहीं, मुझे पता है तुम आओगे। मैं नहीं आऊंगी। आओगे? नहीं आऊंगी। आओगे? देखते हैं। देखते हैं नहीं, मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। कॉन्फिडेंस है? बड़ा है मुझे 5 बजे उठाने वाली। जरूर आओगे प्रीतम, जरूर आओगे।